तथागत गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद यह देखा कि सभी सत्व अपने कर्मों के मुताबिक अलग अलग लोक में उत्पन्न होते हैं। उन्होंने यह भी जाना कि जैसे इस चक्रवाल में सत्व 31 लोक में उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, वैसे ही ऐसे बहुत सारे चक्रवाल हैं जिसमें भी इसी प्रकार के 31 लोक मौजूद हैं। चक्रवाल यानी कि वर्ल्ड सिस्टम या यूनिवर्स। बुद्ध ने चक्रवाल शब्द का उपयोग किया है। बुद्ध सहस्त्र लोक धातु, द्विसहस्त्र लोक धातु, त्रिसहस्त्र लोक धातु, सत सहस्त्र लोक धातु ये शब्दों का उपयोग करके बताया है कि बहुत सारे यूनिवर्स है। यह जो 31 लोक या 31 प्रकार की जन्मभूमि है वह बुद्ध ने नहीं बनाई है, यह बुद्ध के पहले भी थी। बुद्ध ने सिर्फ इस सत्य को ज्ञात किया है, इसीलिए यह ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति बुद्ध के मार्ग पर चलता है या कहे तो बुद्धिस्ट है वह ही यह सभी लोक में उत्पन्न होता है। जैसे दूसरे मत या संप्रदाय में बताया जाता है कि आप मुझ में विश्वास करो या मेरे बताए गए इस संसार के रचयिता है उसमें विश्वास करोगे तो आपको मृत्यु के बाद स्वर्ग, जन्नत या पैराडाइज मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति ग्रेविटेशनल फोर्स पे विश्वास करे या न करे, वह व्यक्ति बहुमंजिला इमारत से गिरेगा तो नीचे की तरफ ही गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण बल एक सत्य है, किसी के विश्वास या अविश्वास से सत्य नहीं बदलता। वैसे ही यह 31 लोक में व्यक्ति अपने कर्मों के मुताबिक उत्पन्न और नष्ट होता ही रहता है, इसे ही संसार चक्र कहा गया है। बुद्ध ने खुद इस धम्म को, इस सत्य को जाना है कि कौन से कर्म करने से कोई सुगति को प्राप्त होता है और कौन से कर्म करने से कोई दुगति को प्राप्त होता है और कौन से गुण होने से कोई रूप और अरूप ब्रह्म लोक में उत्पन्न होता है। यह नियम सभी के ऊपर लागू होते हैं। 31 लोक को समझने के लिए 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। 1 काम लोक, 2 रूप लोक और 3 अरूप लोक। काम लोक में 11 प्रकार के लोक हैं, रूप लोक 16 प्रकार के हैं और अरूप लोक 4 प्रकार के हैं। काम लोक यानी कि यहाँ पर जो उत्पन्न होता है वह काम भोगों में लिप्त रहता है। यहाँ पर उत्पन्न सत्व 5 इंद्रियों द्वारा काम भोगों में रुचि रखता है। काम लोक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 काम दुगति और 2 काम सुगति। दुगति दूर यानी कि बुरी, खराब, गति यानी कहीं पे जाना, दुगति यानी खराब, बुरी, दुख से भरी जगह जाना। इसे अपाय भूमि भी कहा जाता है यानी कि दुख की भूमि। काम दुगति या अपाय भूमि में 4 प्रकार की भूमि आती है जिसमें असुर योनि, प्रेत योनि, तिरच्छान योनि यानी कि एनिमल वर्ल्ड और लास्ट है निरय योनि। निरय शब्द का अर्थ है जहाँ पे सुख नहीं है, दूसरे अर्थ में कहे तो नरक। यह तो हो गई काम दुगति भूमिया। काम सुगति भूमि सु यानी कि शुभ, अच्छी, सुखमय। गति यानी कि जाना, सुगति यानी सुखमय जगह पे जाना। काम सुगति भूमि यानी कि इंद्रिय सुख की भूमि या इंद्रिय सुख के लोक। इसमें 7 प्रकार के लोक आते हैं। मनुष्य लोक को भी इसी में शामिल किया जाता है। 1 मनुष्य लोक और 6 देवलोक को मिलाकर सुगति भूमि कही जाती है। रूप लोक जिसे ब्रह्म लोक भी कहा जाता है, जिस देवता के पास रूप स्कंद है लेकिन वह इंद्रिय काम सुखों में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि 16 रूप लोक में वही उत्पन्न होते हैं जो इंद्रिय काम भोगों के परे हो गए हैं। हम पिछले वीडियोस में 8 ध्यान समाधि के बारे में जाने थे। प्रथम 4 समाधि में से कोई भी समाधि अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है और उसी ध्यान समाधि में देह त्याग करता है तो रूप लोक में उत्पन्न होता है। इनका जीवन काल बहुत ही लंबा होने के कारण किसी किसी ब्रह्मा को ऐसी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है कि वह अमर है। सभी लोक के सत्व उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं और फिर से जन्म लेते हैं, लेकिन लंबे जीवन काल के कारण
उनको लगता है कि वह तो मृत्यु से परे है और उन्हें यह भ्रम होने लगता है कि शायद मैंने ही इस संसार का निर्माण किया है। जैसे कि ऐसा बक ब्रह्मा को हो गया था, फिर तथागत ने वहां जाकर उनकी मिथ्या दृष्टि दूर की थी। तीसरा है अरूप लोक। अरूप यानी कि यहाँ उत्पन्न सत्व के पास रूप स्कंद नहीं होता, यानी कि उनके पास शरीर नहीं होता। शरीर न होने के कारण उनके पास इंद्रियां नहीं होती, इसलिए वह बुद्ध का धम्म सुनकर समझकर निर्वाण नहीं पा सकते। रूप लोक और काम सुगति भूमि के सत्व के पास शरीर होता है। अरूप लोक में उत्पन्न सत्व का जीवन काल बहुत ही लंबा होता है, हम सोच नहीं सकते इतना लंबा। अरूप लोक में कोई उत्पन्न कैसे होता है? 8 ध्यान समाधि में से लास्ट 4 समाधि की कोई भी अवस्था प्राप्त सत्व मृत्यु के समय जिस किसी समाधि में देह त्याग करता है, उसी प्रकार के 4 अरूप लोक में उत्पन्न होता है। यह हमने 31 लोक की बेसिक इंफॉर्मेशन समझी। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि अलग अलग लोक के नाम क्या है, नाम के ऊपर से उनके रूप और कार्य के बारे में जानेंगे और उनका जीवन काल कितना लंबा होता है वह भी जानेंगे। लेकिन अभी कुछ बातें और समझने जैसी है, वह समझ लेते हैं। मध्यम निकाय के महासीनाद सूत्र में भगवान बुद्ध ने बताया है कि 4 प्रकार से कोई भी जन्म लेता है या उत्पन्न होता है। बुद्ध कहते हैं 4 योनि है, 1 अंडज योनि, 2 जरायुज योनि, 3 स्वेदज योनि और 4 उपपातिक योनि। अंडज योनि अर्थात जो प्राणी अंड के कोष को फोड़कर जन्म लेता है, जरायुज योनि अर्थात जो प्राणी जरायु को फोड़कर जन्म लेता है। जरायु यानी कि माता के गर्भाशय का अंग जो बच्चे को सुरक्षा देता है और बच्चे को भोजन पहुंचाता है। तीसरी है स्वदेज योनि अर्थात जो प्राणी सड़ी हुई मछली में, सड़ी हुई लाश में, सड़ी हुई दाल में या मल कुंड में उत्पन्न होते हैं। इसमें वह सभी जीव आ जाते हैं जो सड़ी हुई चीज या गंदगी में उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे सड़ी हुई ब्रेड, यीस्ट या गंदगी में उत्पन्न होने वाले कीड़े, बैक्टीरिया या वायरस। चौथी है उपपातिक योनि अर्थात वह बस उत्पन्न हो जाते हैं, एक लोक से देह त्याग करके दूसरे लोक में उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि देवता, नरक के जीव, कोई कोई मनुष्य भी। जो उपपातिक होते हैं वह किसी गर्भ, अंडे या स्वदेश योनि से उत्पन्न नहीं होते या जन्म नहीं लेते, वह डायरेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें अपना पिछला जन्म भी याद रहता है। बाकी सभी संप्रदाय में विश्वास रखने वाले लोग यह मानते हैं कि एक ईश्वर, गॉड या अल्लाह है जिसने यह सब बनाया है, वही संसार चक्र को चलाता है। लेकिन बुद्ध के धम्म में हम ऐसा नहीं कहते हैं। हम जानते हैं कि बहुत सारे देव और अन्य सत्व है जो अलग अलग 31 प्रकार के लोक में रहते हैं, लेकिन वह सभी भी मरण धर्मा है। वह सभी एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं और दूसरे लोक में उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं अपने कर्म के मुताबिक। इसलिए हम उनकी पूजा या उनसे प्रार्थना नहीं करते। वह देव या ब्रह्म ने बुद्धत्व प्राप्त नहीं किया है, वह भी संसार के चक्र में फंसे हुए हैं। उनका जीवन काल बहुत ही लंबा होने के कारण उन्हें वह अमर है ऐसा भ्रम हो जाता है। किसी को भी ऐसा भ्रम पैदा हो जाए, अगर हम हो तो हमें भी हो जाए। हम देखें कि हमारी आंखों के सामने हजार नहीं, लाख नहीं, अरबों अरब साल से भी ज़्यादा समय में कितने सारे जीव जन्मे और मरे, लेकिन मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, वैसे का वैसा ही हूँ, तो अमरत्व और सभी का स्वामी होने का भ्रम पैदा हो ही जाएगा। अन्य सांप्रदायिक मत में ऐसा है कि स्वर्ग और नरक परमानेंट है, इटर्नल है, लेकिन तथागत ने दिए हुए धम्म द्वारा हम जानते हैं कि वह सभी क्षणिक है, अनित्य है। उन्हें कुछ समय ज़्यादा लगता है अनित्यता का बोध होने में, क्योंकि हमारी कंपैरिजन में उनका जीवन बहुत ही लंबा होता है। ये सब इंफॉर्मेशन निर्वाण प्राप्ति के लिए याद रखना, इसके बारे में बातें करना जरूरी नहीं है।
बुद्ध का धर्म फिलोसॉफी नहीं है, उनका धर्म, उनकी शिक्षा एक प्रैक्टिस है, एक साधना है, जीवन में लाकर जीवन को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है। सील, समाधि और प्रज्ञा, आर्य अष्टांगिक मार्ग, समत और विपस्यना और 37 बोधिपक्षीय धर्मों को मिलाकर बुद्ध का मार्ग एक ब्लूप्रिंट है, ना सिर्फ सुंदर, शांत और आनंदमय जीवन जीने का, लेकिन उससे भी सुंदर अमृतपद निर्वाण को पाने का ब्लूप्रिंट है।